नमस्कार बच्चों जैसा कि मैं आपको पढ़ा रही थी पार्ट तेरह वाक्य इसका पार्ट वन और पार्ट टू हो चुका है और इसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि वाक्य होता क्या है तो अगर हम लोग उल्टे सीधे शब्द जो हैं बोलेंगे तो किसी को समझ में नहीं आएंगे साधारण भाषा में उसको किसी समझ में नहीं आएंगे उसको समझने के लिए हमें जो है किस तरह से बोलना है अर्थ प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं जिन शब्दों को मिला करके एक सार्थक जो शब्द बना करके एक व्यवस्थित समूह उसका बनाया जाए फिर हम वो चीज़ें बोलें वही वाक्य बोलता है जिसका कि कुछ अर्थ निकल रहा हो कि वो बात कुछ कह रहा हो समझ में आ रही हो तब तो वो वाक्य है और नहीं तो वो क्या है आप बोलेंगे कुछ भी इधर उधर शब्द लगाएंगे उसको व्यवस्थित व्यवस्थित समूह में नहीं लगाएंगे तो वो वाक्य नहीं कहलाएगा अब है वाक्य के अंग वाक्य के दो अंग होते हैं उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं उद्देश्य और विधेय उद्देश्य क्या है कि जैसे पिताजी बैंक जा रहे हैं इसमें जो पहला शब्द है वो क्या है उद्देश्य कौन बैंक जा रहा है किसका उद्देश्य है बैंक जाने का तो पिताजी का तो ये उद्देश्य हो गया विधेय विधेय की मतलब जो उद्देश्य है वो क्या कर रहा है तो पिताजी बैंक जा रहे हैं तो बाकी का वाक्य आपका विधेय हो गया अब है रचना की दृष्टि से वाक्य तो रचना की दृष्टि से वाक्य क्या है एक है वाक्य रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से अब यह रचना की दृष्टि से रचना की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के होते हैं सरल वाक्य संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य सरल वाक्य सरल वाक्य साधारण वाक्य होते हैं इसमें किसी भी प्रकार के योजक शब्द को का प्रयोग नहीं किया जाता है इन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है जैसे मयंक नदी में तैर रहा है तो ये सिंपल सरल वाक्य हो गया आपका तो मयंक हो गया उद्देश्य नदी में तैर रहा विधेय हो गया तो ये इसको बोलेंगे इस प्रकार के वाक्यों को क्या बोलेंगे सरल वाक्य अब संयुक्त वाक्य अर्थात जुड़ा हुआ वाक्य जैसा वाक्य में वाक्य जो दो वाक्यों को योजक शब्दों की सहायता से जुड़ कर बनता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं जैसे कोई वाक्य बोलते हैं और बीच में और लगा देते तथा लगा देते हैं योजक शब्द जो हैं वो लगा देते हैं तो क्या हो जाता संयुक्त वाक्य जैसे भैया कमरे में गए और पुस्तक ढूंढने लगे तो ये वाक्य दो हो गए पहले तो भैया कमरे में गए फिर हमें अगर दूसरा वाक्य और इसमें जोड़ना है तो हमको और लगाना पड़ेगा ये शब्द लगाने पड़ेंगे तो ये हो गया संयुक्त तो वाक्य अब है मिश्र वाक्य मिश्र वाक्य क्या है जिसमें कि ऐसा प्रधान वाक्य जिसमें एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जोड़ दिए गए हों जैसे उसे मिश्र वाक्य कहते हैं जैसे माँ ने तस्वीर खरीदी जो बहुत सुंदर थी तो माँ ने तस्वीर खरीदी ये प्रधान वाक्य हो गया और इसके जो आश्रित वाक्य है इस वाक्य की वजह से इस वाक्य का बना है तो ये आश्रित वाक्य कहलाएगा तो जो बहुत सुंदर थी तो ये आश्रित वाक्य हो गया तो ये दो वाक्य जब बन, मिल के बनेंगे तो ये मिश्र वाक्य कहलाएगा क्योंकि इसमें दो तरह के वाक्यों का प्रयोग हुआ है अब है विशेष योजक योजक शब्द क्या होते हैं और या किंतु परंतु एवं ये हम लोग कोई भी जब वाक्य बनाते हैं और दो वाक्य को जोड़ते हैं तो इन शब्दों का उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं योजक शब्द जो कि संयुक्त तो वाक्य में प्रयुक्त तो होते हैं प्रधान वाक्य जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं जिन्हें अलग से बोला जा सकता है वो हो जाता है प्रधान वाक्य आश्रित वाक्य उपवाक्य इन्हें अलग से नहीं बोला जा सकता ये पूरी तरह से प्रधान वाक्य पर निर्भर होते हैं जैसे कि मैंने अभी, अभी मिश्र वाक्य का उदाहरण दिया आपको कि ये वाक्य है जो माँ ने तस्वीर खरीदी ये प्रधान वाक्य हो गया अभी ये वाक्य अगर हम बोल रहे हैं तो अगर ये वाक्य नहीं होगा तो इसका कोई औचित्य नहीं है इसका कोई स्वरूप नहीं है इसका अपना आप अपने आप में कोई अस्तित्व तो नहीं रहेगा तो अगर हम बोलते जो बहुत सुंदर थी तो आप पूछेंगे कौन सी चीज सुंदर थी हमें प्रधान वाक्य बताओ तो हम प्रधान वाक्य पर ही ये निर्भर करता है अगर प्रधान वाक्य है तभी हम आश्रित उपवाक्य बोल सकते हैं तो यह आश्रित उपवाक्य का जो है अस्तित्व प्रधान वाक्य पर निर्भर करता है क्योंकि कि जब तब जैसा वैसा जो वह यदि तो आदि योजकों का प्रयोग मिश्र वाक्य में किया जाता है अब इन शब्दों तो का प्रयोग जैसे कि वो किया जाता है मिश्र वाक्य में अगर ये ज, जैसा वैसा जैसा जो करेगा वैसा वो भरेगा तो यह मिश्र वाक्य अंतर्गत आ गया जो वह जो वह ये दो शब्द हैं जैसे यदि तो ये शब्द हैं ये सारे के सारे मिश्र वाक्य में आएंगे अर्थ की दृष्टि से अब अर्थ की दृष्टि से वाक्य अर्थ की दृष्टि से वाक्य वा आठ प्रकार के हैं पहला है विधानवाचक वाक्य दूसरा है प्रश्नवाचक वाक्य फिर तीसरा आज्ञावाचक वाक्य और इच्छावाचक वाक्य संदेहवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य और ये है निषेधवाचक वाक्य और विस्मयादिवाचक वाक्य तो ये आठ प्रकार के वाक्य जो हैं आपके अर्थ की दृष्टि से विधानवाचक वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य आज्ञावाचक वाक्य निषेधा निषेधवाचक वाक्य इच्छावाचक वाक्य संदेहवाचक वाक्य संकेतवाचक वाक्य और वाचक वाक्य अब ये आठ वाक्य किसके अर्थ की दृष्टि से होंगे जिसमें अर्थ अगर ये सारे जो हैं वाक्य के अंतर्गत रहेंगे तभी उनका अर्थ स्पष्ट होगा उस वाक्य का वरना नहीं होगा तो ये अर्थ की दृष्टि से वाक्य आठ प्रकार के होते हैं